जहाँ तक दिखाई दे आप वहाँ पहुँचने की कोशिश ज़रूर करें, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उससे आगे भी देख पाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपनाम, उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर और उनके उपनाम। जैसे उद्योग नगरी किसे कहते हैं, पेड़ा नगरी किसे कहते हैं, झीलों का शहर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम तो आइए शुरू करते हैं क्लास। चलिए देखते हैं कानपुर। पहला नंबर है कानपुर। कानपुर को उद्योग नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्म नगर क्योंकि वहाँ पे चमड़े का जो है बहुत बड़ा कारोबार होता है। आगरा में और कानपुर में दोनों जगह चमड़े का कारोबार होता है। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्योंकि उद्योग धंधे वहाँ पर बहुत हैं, इसलिए उसको प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, औद्योगिक राजधानी। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा उपनाम से जानते हैं कानपुर को। और रियल में जो जहां पर चौराहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का वो है झांसी, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा इसको बोलते हैं कानपुर को। अगला है प्रयाग। प्रयाग या प्रयागराज संगम नगरी आप अच्छे से जानते हैं, तीर्थराज अच्छे जानते हैं, तीर्थों का राजा प्रयागराज कहते हैं। कुंभ नगरी भी क्योंकि वहां पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मेरठ, क्रांति नगर क्यों कहते हैं, जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ के बैरकपुर से ही शुरू हुई थी। बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, तो मेरठ क्रांति नगर। कैची नगर, कैचियों का बहुतायत में वहाँ पे उत्पादन होता है इसलिए उसे कैची नगर भी कहते हैं मेरठ को। लखनऊ, बागों का नगर, लखनऊ में बाग बहुत सारे हैं, बागों का नगर। नजाकत नफासत का शहर, ठीक है, नवाबों का शहर, नवाब पहले वहाँ रहते थे, तो नवाब रहते थे तो नजाकत और नफासत तो वैसे भी आ जाएगी। और पूर्व का स्वर्ग, पूर्व का स्वर्ग लखनऊ कहते हैं। चित्रकूट, अनेक आश्चर्यों की पहाड़ियां, ये उपनाम है चित्रकूट का। फिरोजाबाद, चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी क्योंकि वहां पे बहुत मात्रा में कांच का काम होता है, तो चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। हाथरस, हाथरस में आपका हींग और गुलाल, हींग बहुतायत में वहां मिलता है हाथरस में, और गुलाल, तो इसलिए उसे हींग नगरी और गुलाल नगरी। इससे ये भी आपको पता चल रहा है कि हींग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, हाथरस में, और गुलाल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ है सबसे ज़्यादा, वो है आपकी हाथरस में। देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, इन चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। मथुरा, पेड़ा नगरी, मथुरा के पेड़ा फेमस हैं। कृष्ण नगरी, जन्मस्थली, पंडों की नगरी, ये सब मथुरा के उपनाम हैं। अब आते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन यूपी में कहीं होता है तो वो है प्रतापगढ़, तो आंवला नगर भी बोलते हैं, और प्रतापगढ़ से आपका प्रतापगढ़। गोरखपुर में गीता प्रेस है तो इसकी वजह से उसको गीता प्रेस नगर कहते हैं। और गोरखधाम और नाथ नगर ये भी गोरखपुर के उपनाम हैं। अब आते हैं अयोध्या। तो अयोध्या राम जन्मभूमि, रामनगर, तीर्थ नगर, तो बहुत इजी है। अगला देखिए जौनपुर। जौनपुर सिराज अहिंद, पूर्व का सिराज, किसको बोलते हैं जौनपुर को, क्योंकि ये पूर्व में है और सबसे ऊपर है, तो सिराज अहिंद यानी कि हिंदुस्तान का सिराज या पूर्व का सिराज हम बोलते हैं जौनपुर को। अलीगढ़ का नाम बदल गया है, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है, तो ताला नगरी, खूब अलीगढ़ वाला ताला है ना, गाना भी सुना है आपने। भदोही, कारपेट सिटी, यहाँ कारपेट का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है भदोही, तो कारपेट सिटी बोलते हैं इसको। मुरादाबाद, बर्तनों का शहर और पीतल नगरी, अगर पूछा जाए कि पीतल का कारखाना सबसे ज़्यादा पीतल का काम कहाँ होता है
तो मुरादाबाद बर्तनों का शहर और पीतल नगरी, और मोस्टली ये बर्तन पीतल के होते हैं। वाराणसी, वाराणसी के सबसे ज्यादा उपनाम है। मुक्ति नगर, घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, पंडों का नगर, पवित्र नगरी, शिव की नगरी, प्रदेश की धार्मिक राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी, भारत का पवित्रतम शहर और सबसे पुराना शहर भी वाराणसी को ही बोला जाता है। आगे देखते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद उद्योग नगरी, छोटी दिल्ली गाजियाबाद को कहते हैं। कन्नौज इत्र नगर, अब जहां इत्र बनता हो तो खुशबुओं का शहर हो ही जाएगा। अभी आपने सुना होगा करंट में इत्र व्यापारी के बारे में जिसके यहाँ करोड़ों रुपए निकले हैं। तो इत्र नगर खुशबुओं का शहर महोदया और नगर महोदय श्री, ये दो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आते हैं बरेली, तो सुरमा बरेली वाला खूब सुना है आपने, तो सुरमा नगरी और बांस बरेली। फिर आते हैं रामपुर, तो चाकुओं को नगर और नवाबों का शहर। नवाबों का शहर एक लखनऊ को भी बोलते हैं और रामपुर को भी बोलते हैं। रामपुरी चाकू तो आपने सुना ही होगा खूब, तो चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर। गाजीपुर, काशी की बहन, गाजीपुर का उपनाम है काशी की बहन। सोनभद्र, सोनभद्र सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र में, क्योंकि वहां पे थर्मल पावर प्लांट है इसलिए उसको पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ये लिखा है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, शायद दिखना रहा हो आपको, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया ये बोलते हैं हम सोनभद्र को। देखिए आगे मलियाबाद, मलियाबाद लखनऊ में है, आमों का नगर कहा जाता है। दशहरी आम सबसे ज्यादा मलियाबाद में उत्पादित किए जाते हैं। चंदौली, चंदौली आपका धान का कटोरा, यूपी का धान का कटोरा, ठीक है, यूपी का धान का कटोरा चंदौली। अगर भारत का धान का कटोरा बोलेंगे तो वो छत्तीसगढ़ है। आते हैं आगरा, ताज नगरी, ताजमहल की वजह से इसको ताज नगरी बोलते हैं। पेठा नगरी, क्योंकि यहाँ पेठा बहुतायत मात्रा में बनता है और बहुत अच्छा पेठा बनता है। शाहजहाँपुर, शहीदों की नगरी बोलते हैं शाहजहाँपुर को। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य कहलाता है। संडीला हरदोई लड्डू नगरी है, संडीला हरदोई, प्रयाग, ये दो आपके बच गए थे, हालांकि प्रयाग के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। अमरूद सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रयागराज में, सबसे ज़्यादा अमरूद की पैदावार है प्रयागराज में, और ईश्वर का निवास स्थान भी हम प्रयागराज को बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेंगे।